मेरा चैनल है ना, जो पुराना मेरा चैनल था मुसा व्लॉग्स के नाम से, वो मेरा चैनल बंद नहीं हुआ। यही स्टोरी है, यही सैड स्टोरी है, इसी वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। इस वजह से माजरत दिल से, आप लोग मेरे व्लॉग का इंतज़ार कर रहे होते हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है आप लोग के? वालेकुम सलाम अन्नू भाई, क्या हाल चाल है आपके? भाई दरअसल जो है, मैं काफ़ी दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। आज मैंने यूट्यूब ऑन किया तो मैंने देखा मेरी एक वीडियो डली हुई है, 3 वीक हो गए, यानी कि मैंने YT स्टूडियो पे देखा पूरे 45 दिन हो गए मेरे एक व्लॉग को। मेरे दोस्त यार भी बोले तेरे व्लॉग के मैसेजेस नहीं आए, तेरे व्लॉग नहीं आ रहा। मैंने उन लोग को बोला, अभी मैं तुम्हारे को वजह बताता हूँ कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। अच्छा, बगैर अगर मेरे चैनल पर आपने हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और पूरी वीडियो एंड तक देखा है। मेरी ये सैड स्टोरी है, ठीक है? तो भाई सैड स्टोरी ये है कि मैंने कुछ दिनों पहले अली के साथ जाकर व्लॉग बनाया था, लैपटॉप लेकर गया था साजिद के पास, और उसके बाद जो गाड़ी वहाँ पर सही तफरी हुई थी, यानी कि सही वाला शुगर लगा था, अच्छा खासा व्लॉग मेरा बना था। लेकिन जो है, मेरे मोबाइल का एक इशू हुआ है कि आप लोग को पता है, मेरे कुछ लोग है व्लॉग्स ऐसे है कि बीच में आवाज़ जो है ना डाउन हो जाती है बिल्कुल, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आता। 2-3 बंदों ने मुझे मैसेज किया, आवाज़ जो है ना बैंड हो रही है, यानी कि डाउन हो रही है, तो इस वजह से वो व्लॉग मेरा बेकार हो गया। मैंने ना उसको एडिट करना और अपलोड करना जो है ना फजूल है, क्योंकि जो है ना मज़ा तो आएगा नहीं। जो मज़ा था, जो मतलब सही सही वाले जो क्लिप थे मज़ा किया, वो उसमें आवाज़ डाउन हो गई थी, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने ना बड़ी मैंने मेहनत की, 1 घंटा मैंने ज़ाया किया, दुकान पर भी कोई नहीं होता, दुकान पर भी मैं ही होता था। तो मैं गया था पहले पेट्रोल, उसके बाद फ्लेंटे, फिर बिरयानी लेने, ये बड़ा मेरा वक्त ज़ाया हुआ। जब एंड टाइम में रात में मैं एडिट करने बैठा तो मैंने ये सीन देखा, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। तो मैं आला चलो कोई नहीं, होता रहता है, पहले भी मैं ऐसा मोबाइल सेल करूँगा, उसके बाद मैं व्लॉग्स स्टार्ट करूँगा ताकि कोई बाद में मसला ना हो। मेरे मोबाइल में कोई इशू नहीं है, मेरे लिए इशू है। मेरे लिए इशू इस वजह से लॉन्ग वीडियो बनाने की वजह से जो है ना बीच में आवाज़ जो है ना डाउन हो जाती है, मेरे लिए ये इशू है। और मोबाइल में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल 10x10 कंडीशन है, 89 बैटरी हेल्थ है। अगर किसी को परचेस करना हो तो कर सकता है, मैंने OLX में भी ये 8 डाला हुआ है बका दिया। और दूसरी बात, मैं बहुत तंग हो गया था, यानी कि मैंने OLX पर डाला, मैंने मार्केट में गया तो मार्केट में मेरे को इसके आधे से भी आधे डिमांड मिल रही थी, तो मैं वाला फजूल है, इससे अच्छा OLX पर डालता हूँ, कम अज़ कम कम मिलेंगे, थोड़े कम मिलेंगे ना, मार्केट के रेटों के हिसाब से तो नहीं मिलेंगे ना। तो मैंने उसमें भी डाला, अभी तक कोई उसका ऑर्डर लगा नहीं है, तो मैं भी तंग हो गया था बीच में। कल भी मेरे दोस्त ने बोला, सामने रहते बोलते तेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे, व्लॉग्स नहीं आ रहे। मैं आला हाँ यार, मोबाइल की वजह से रुका हुआ हूँ, इस वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो अगर मोबाइल की वजह से रुका तो वो जो चैनल मेरा गया वो तो गया ही गया, और ये वाला जो अभी नया चैनल है जो आपके सामने वीडियोस अपलोड करो, ये भी मेरा चैनल चला ही जाएगा। तो इससे अच्छा मैं वाला हल्की फुल्की वीडियो बना के डालता हूँ। अगर इस वीडियो में भी कोई मिस्टेक हो तो दिल से सॉरी है भाई। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी ये मोबाइल सेल होगा, उसके बाद ही मैं इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊँगा और इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग करूँगा, इरादा तो मेरा ऐसा ही है, ठीक है। और दूसरी बात के एक मेरी सैड स्टोरी ये है कि टाइम भी नहीं होता मेरे पास, शॉप पर होता हूँ, सुबह उठता हूँ, फजर के टाइम नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ के 8 बज जाते, नमाज़ पढ़ के नाश्ता वाश्ता करके 8 बज जाते, आता हूँ जिम जाता हूँ, जिम से आता हूँ। अब सुबह की टाइमिंग की है ना जिम की, रात में नहीं जाता, जिम जाता हूँ, जिम से आता हूँ, 9 बजे तक आता हूँ, फिर सो जाता हूँ, 11 बजे उठता हूँ, 11 बजे शॉप पर, 1 बजे नमाज़ पढ़ के छोटा भाई आता है, 4 बजे तक फिर सो जाता हूँ, उसके बाद 4 बजे से 7 बजे तक कोचिंग जा चुका हूँ। लैंग्वेज कर रहा हूँ ना, तो फिलहाल लैंग्वेज कर रहा हूँ, लैंग्वेज वाले हो गए भाई प्रो, लैंग्वेज वाले, तो लैंग्वेज जाता हूँ, लैंग्वेज से फिर आता हूँ, फिर दोबारा शॉप पर आ जाता हूँ, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ के 8-9 बजे तक समझ लो मैं शॉप पर ही होता हूँ, 9 बजे मैं घर जाता हूँ, उसके बाद फ्री होता हूँ। हद करके जो है ना, अब मैं पहले चलाता था 3 बजे तक मोबाइल, अब मैं चलाता हूँ 10 बजे तक मोबाइल, 10:30-11 तक, 11:30 तक भी चला ले तो 11:30 बजे मैं बोलता हूँ, 11:30 बजे लाइट जाती है, 11:30 बजे लाइट जाएगी तब बंद करके सो जाऊँगा। तो ज़्यादातर मेरी रूटीन ऐसी है, 11:30 बजे लाइट जाती है, मैं मोबाइल बंद करता हूँ और सो जाता हूँ। कल मैं लेट सोया, कल मैं 1:30 बजे सोया, क्योंकि मैंने नहाना भी था, नमाज़ भी पढ़नी थी, और वही दुकान का शॉप का माल आया था, आपको पता ही तो वाले दिन मेरा माल आता है, तो ये कल माल भी लगा रहा था, तो यही वजह थी कल रात को लेट सोया। और अभी आके आपको देख भी रही होगी,
अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। लाल लाल आंखें हुई हुई है, नींद भी सुबह उठा तो मैं अल्लाह जिम जाके आगे सो जाऊँ, लेकिन आज पता चला सुबह उठ के कि अब्बू ने बोला मैंने हॉस्पिटल जाना है अम्मी को लेकर। तो मैं अल्लाह वही मैंने चलो ठीक है, तो इस वजह से अभी जिम भी नहीं गया। टाइम हो रहा है अभी, सब्र करो, टाइम हो रहा है अभी 8:48। तो ये सीन था, और बकाया मेरी सैड स्टोरी बहुत लंबी है, वो मैं कभी किसी दिन शेयर करूँगा किसी अच्छी जगह बैठ कर। ये अभी शॉप पर बैठा हूँ, आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा होगा, तो इस बैकग्राउंड में वो स्टोरी मज़ा नहीं देगी। बस मोबाइल ये सेल हो जाए तो इसके बाद इंशाल्लाह आपको पूरी तरीके से व्लॉग और हर दिन का इंशाल्लाह आपको व्लॉग मिलेगा। मैं जा रहा तो हर जगह वहाँ, यानी कि कभी निकल जाता हूँ नाजमाबाद, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, लेकिन व्लॉग नहीं बना रहा। व्लॉग इस वजह से नहीं बना रहा, आपको पता है मोबाइल का जो मसला है। तो ये मसला ख़त्म होगा, अगर आप में से कोई मेरे फैन, अगर आपको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मेरे लिए तो इशू नहीं। आपको मैंने इसको बताया इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, आके आप चेक करो, तसल्ली करो, अगर आपको समझ में आए तो आप ले लिया परचेस कर लेना। और बकायदा ये मोबाइल भी मैं सेल कर रहा हूँ, इसका खाली ये इशू है कि ये जब मैंने लिया था तो इसका गिलास टूटा हुआ था, हफ्ते बाद जो है ना इसका पैनल टूट गया, पैनल मतलब कि वो हो गया, तो पैनल इसका मैंने चेंज कराया था 2300 रुपये का। उसके बाद मैंने ये यूज़ किया, एक हफ़्ते बाद मुझसे गिरा, तो ये देखो ये लाइन फिर आ गई, ये लाइन मैं ये इस मोबाइल पे पनौती आई हुई है, तो इस मोबाइल को भी सेल करते, देखते कोई अच्छा ग्राहक लगता है तो लगा देते। मेरा ये इरादा है 12 तक देने का, 12,000 तक। तो एक ग्राहक लगा है मेरा 10,000 का, लेकिन मैंने 10,000 में नहीं दिया उसको, मेरा दोस्त यार आदिल नाम है, मेट्रो हिल में ही रहता है, तो मैंने उसको नहीं दिया। जो मेरा चैनल है ना, जो पुराना मेरा चैनल था मुसा व्लॉग्स के नाम से, वो मेरा चैनल बंद नहीं हुआ है, वो दरअसल मेरे चैनल के साथ ये साफ हुआ है कि मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ इतना पता नहीं था ना, मेरा दोस्त पार्टनर है इसमें यासिर ना, तो उसने मुझे बताया था कि ये हरकत मत करियो, यानी कि एक वीडियो को बार बार अपलोड नहीं करियो, और मतलब कि ऐसा सीन नहीं करना। तो मैंने एक शॉर्ट्स को 2 बार मैंने अपलोड कर दिया, तो पीछे से YouTube वालों ने जो है ना मेरा जो है ना चैनल डीमोनीटाइज कर दिया। तो वो मोनीटाइज हम दोबारा कर रहे थे, एक हफ्ते से लगे हुए थे, तो वो मोनीटाइज नहीं, और उन लोग ने अभी हमको 3 महीने का टाइम दिया हुआ है, 3 महीने का। तो यासिर ने बोला इसमें वीडियो डालना भी फजूल है, देखो मैं दूसरा चैनल देता हूँ मेरा अपना है, वो मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो उस पर तू जिस पर अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो वो इसने मुझे दिया है, तो बोलते तू इस पर ही वीडियो अपलोड किया कर, मगर उस चैनल को फिलहाल छोड़ 3 महीने के लिए। वो चैनल इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो अगर वो मोनेटाइज हुआ तो उस चैनल पे वापसी में काम करूँगा, उसी वीडियो पर उसी चैनल पे मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा, तो आप वापसी उस चैनल पर आ जाइएगा। और ये वजह थी, वो चैनल गया नहीं, वो चैनल अभी भी मेरे पास लॉगिन है, मैं आपको दिखा सकता, लेकिन वो आईफोन में लॉगिन है, उसमें लॉगिन नहीं है, नहीं तो मैं उसमें दिखा देता। तो ये सीन है, और वैसे वो चैनल बंद नहीं है मेरा, ठीक है, उस चैनल पे भी मैं 3 महीने बाद वीडियो अपलोड करूँगा अगर चैनल मोनेटाइज हुआ तो। और मेरी यही स्टोरी है, यही सैड स्टोरी है, इसी वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, इस वजह से माजत दिल से, आप लोग मेरे व्लॉग का इंतज़ार कर रहे होते हो, मुझे भी बड़ी खुशी है कि आप लोग मेरे व्लॉग का इंतज़ार, मुझे ये लगता था कि मैं अपलोड करता था वीडियो, कुछ लोगों को मेरे व्लॉग बुरे लगते कि बोलते ये ऐसी भी मुझे मतलब के, तो मुझे ऐसा लगता था, लेकिन अब पता चला जब इतने बंदों ने बोला तेरे व्लॉग भी आए, तो मेरे को लगा कि हाँ वाकई में मेरे व्लॉग चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद नहीं हारूंगा, इंशाल्लाह वीडियोस पूरी डाला करूंगा, जहाँ जाऊंगा सारा कुछ दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह जो है ना आप मेरे साथ रहिए, मैं भी आपके साथ रहेगा। और इसी व्लॉग को यहाँ पर ही एंड करता हूँ, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लास्ट में प्रेस करेगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास आ सके। दुआ में याद रखेगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।